बुधवार अच्छे संकेतों के साथ होगी, क्योंकि विदेशी बाजार से बेहतरीन और मजबूत संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एशियाई बाजार सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ एसडीएक्स निफ्टी में शुरुआत होती हुई 17,092 के आसपास यहाँ पर ट्रेड। जापान के बाजार निक्केई में भी हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों का उछाल यहाँ पर नजर आ चुका है। इस बीच अगर बीती रात अमेरिकी बाजार की बात करें, वहां पर भी लगातार 2 दिनों की गिरावट जो देखने को मिली थी उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखा और जब क्लोजिंग हुई डाउ निचले स्तर से 700 अंक संभल कर 238 अंक ऊपर बंद हुआ। वहीं टेक्नोलॉजी शेयरों में जो अच्छी तेजी है उसका इंपैक्ट टेक्नोलॉजी हेवी इंडेक्स नैसडैक पर भी पड़ता हुआ हमने देखा, वहां पर भी मजबूती के साथ हरे निशान में ही क्लोजिंग और S&P भी आप देख सकते हैं 0.5% की बढ़त के साथ क्लोज होता हुआ। चलिए विदेशी बाजार के संकेत कमोडिटीज का अपडेट विस्तार से थोड़ा और समझ लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका जुड़ गई है। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताएं आज विदेशी बाजार काफी दुरुस्त नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग मानसी, बिल्कुल विदेशी बाजार की अगर आज संकेतों की बात करें तो यूएस मार्केट्स में तो एक अच्छा खासा रिबाउंड सेशन देखने को मिला। अगर निचले लेवल से आप डाउ की बात करें तो लगभग 700 पॉइंट से ज़्यादा रिकवरी आपको डाउ में देखने को मिली। नैसडैक भी लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर हुआ। 4 हफ्तों से आप देख रहे थे डाउ जो है वो लगभग हर हफ्ते पिछले 4 हफ्तों से गिरावट पर लॉसेस पर बंद हो रहा था, लेकिन इस बार इस हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर हुई है। जैसे आपने भी कहा कि अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे हफ्ते मानसी टेक हैवी वीक है ये अर्निंग्स के लिहाज से, और बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म्स, इन सभी के रिजल्ट्स आने हैं और इनमें भी आपने देखा रिकवरी आई आफ्टर फॉलिंग सो मच। तो यहाँ पर एक नज़र ज़रूर रखनी होगी, देखना होगा कि अब इंडियन मार्केट्स में टेक शेयर्स और टेक स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक रीबाउंड सेशन ट्विटर की जो टेक ओवर की बिड जो है वो भी जब उसकी न्यूज़ भी आई तो उससे भी एक पॉजिटिव संकेत मिले बाज़ार को और यूएस मार्केट्स का सेंटिमेंट लिफ्ट हुआ। आपको निक्केई से इस वक्त मजबूती के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऑयल कंटिन्यूज टू टंबल ईयर क्योंकि चाइना में जो लॉकडाउन के फेयर्स है डिमांड हिट होगी उसके चलते हमने देखा $102 पर बैरल के पास क्रूड का प्राइस है। बॉन्ड यील्ड अब भी आपको 2.81 के पास दिखाई देंगे और यूएस डॉलर इंडेक्स अब भी 101 के पार होगा। लेकिन क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स में हल्के से कुछ बेसिस पॉइंट्स की यहां पर गिरावट आई है तो आपको रिस्क ऑन एनवायरनमेंट थोड़ा सा दिखने लग जाता है। आपको टेक स्टॉक्स बड़े दिखाई दिए, आपको साथ ही बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी में भी फिर से एक रिसर्जेंस देखने को मिली, तो लगभग वहां पर भी 2% से ज्यादा की स्ट्रेंथ दिखाई दी और 40,000 के पार अब आपको बिटकॉइन का प्राइस दिखाई दे रहा है। तो ये सारे संकेत रहेंगे मानसी। बिल्कुल प्रियंका शुक्रिया ये संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली विदेशी बाजार से अच्छी शुरुआत के संकेत हरे निशान के साथ एशियाई बाजार की शुरुआत और इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी इसका पड़ता दिख सकता है। तो चलिए अच्छी शुरुआत की यहाँ पर आशा करते हुए FISDIS के अपडेट को देख लेते हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है।